हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम केक बेकरी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं पाइनएप्पल केक। वैसे तो मैं पहले भी इसकी आइसिंग आपको दिखा चुकी हूँ, पर जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं एक बार फिर बता देती हूँ। तो ये आप जो देख रहे हैं ये पाइनएप्पल स्पंज है। इसे मैंने पिल्सबेरी के प्रीमिक्स से बनाया है। 160 ग्राम प्रीमिक्स लिया था और 50 ml वाटर, 25 ml मैंने इसमें ऑयल यूज़ किया है और इसका अच्छे से बैटर बना के मैंने इसे 160 डिग्री पर 25 मिनट के लिए बेक कर लिया था। तो आप देख सकते हैं कितना वाइट हमारा स्पंज बना है। और फ्रेंड, मैंने अभी तक जो नोटिस किया है कि पिल्सबेरी के प्रीमिक्स से बहुत ही वाइट स्पंज अच्छा बनता है। जो मैं पहले डाबर का बनाती थी उससे इतना वाइट नहीं बनता था। तो आप देख रहे हैं जाली भी कितनी अच्छी आई है। और ये केक मुझे 2 घंटे में कंप्लीट करके देना था, तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं किया, बस ऐसे ही कटिंग करके और फ्रिज में रख के और यूज़ कर लिया था। और क्रीम हमारी थोड़ी सी आइस वाली थी, उसे ही मैंने विप कर लिया था। और विपिंग क्रीम का भी कैसा विप करते हैं वो वीडियो भी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और देखिए, हम आइसिंग कर लेंगे, अच्छे से क्रीम को फैला लेंगे। क्रश लगाने के बाद फ्रेंड थोड़ी सी क्रीम हार्ड हो जाती है, तो आप इसमें पानी का स्प्रे देकर भी उसे सॉफ्ट कर सकते हैं, या आप थोड़े टाइट मतलब ज़्यादा हाथों से भी अगर उसे फेंटेंगे ना तो वो सॉफ्ट हो जाती है। और ये देखिए, पाइनएप्पल क्रश डाल दिया है। आज मैं रॉ पाइनएप्पल के पीसेस नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जिन्हें ये केक चाहिए उन्हें नहीं चाहिए था, तो मैं इसमें पाइनएप्पल के पीसेस टिन वाले नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको देखना है तो वो वाला वीडियो भी मेरे चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने पिकाचू केक बनाया था, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं इसे हम देखिए अच्छे से साइड से क्रीम से कवर कर लेंगे पूरा केक को। और फ्रेंड्स, आइसिंग करते वक्त आप थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल अच्छे से क्रीम लगाएंगे सब करेंगे ना, तो आपका केक भी एकदम ही परफेक्ट बनेगा। बहुत मतलब ऐसा बहुत हार्ड काम नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लेकिन आप घर के लिए बना रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से आइसिंग कर सकते हैं। और देखिए, मैंने पूरा केक कवर कर लिया है और जो टॉप की लेयर थी मैं उसे हमेशा मिडिल में रखती हूँ, इससे केक को हाइट बहुत अच्छी जाती है। इस केक का वेट भी कुछ 630 ग्राम गया था मेरा, क्योंकि नॉर्मली होमवेकर के जो केक होते हैं वो 600 ग्राम के ऊपर ही जाते हैं। और ये हमने अच्छे से क्रम कोट करके इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। मैंने ज़्यादा समय नहीं था इसलिए मैंने बहुत देर फ्रिज में नहीं रखा, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए ही रखा था। और अब ये आप जो क्रीम देख रहे हैं ना, आप डायरेक्ट देख सकते हैं, मैंने इसकी स्टील की जो होती है गंजी उसी में मैं क्रीम को विप करती हूँ। और मैंने क्रीम में इमल्शन डाला है पाइनएप्पल का, तो मैंने पाइनएप्पल इमल्शन ही डाला है इसमें, कोई कलर अदर कलर नहीं यूज़ किया था। और ये देखिए, साइड से हम अच्छे से क्रीम लगा के स्क्रैपर से स्क्रैप कर लेंगे और ऑयल ब्रश से मैं इसे थोड़ा सा स्क्रैप कर लूँगी, जिससे अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। अगर आप भी बिगनर हैं और सफाई नहीं आई है तो आप ऑयल ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर, ये कैसे आया? तो ये मैंने एक्चुअली एक केक बनाया था मार्बल ग्लेज का, तो उसमें मैंने इसको यूज़ किया था, तो वही थोड़ा बच गया था तो मैं उसे ही यूज़ कर रही हूँ। केक में कभी भी कोई सामान वेस्ट नहीं होता है फ्रेंड, तो आप भी ऐसे रीयूज कर सकते हैं। तो ये वाइट चॉकलेट है जिसमें मैंने ग्रीन कलर मिक्स किया है, और मेरे पास ऑयल बेस्ड कलर है ग्रीन कलर, तो मैंने वही मिलाया था। देखिए कितना सुंदर सा ग्रीन कलर आया है, तो मैं उसी की ड्रिपिंग दे रही हूँ आज। तो पाइनएप्पल केक पर ग्रीन कलर बहुत ही सुंदर जाता है येलो पर ग्रीन कलर। और इसे पैलेट नाइफ से मैं थोड़ा सा अच्छे से फैला दूंगी, और जहाँ भी अगर आपकी ड्रिप हो गई है तो आप उसे क्लीन कर लीजिए अच्छे से। और फिर मैं ग्रीन कलर की क्रीम से ही बॉर्डर बनाऊंगी, क्योंकि लास्ट केक में मेरी ग्रीन कलर की क्रीम बच गई थी, तो मैं उसी से बॉर्डर बनाऊंगी। और उसे मैंने अच्छे से एयर टाइट डब्बे में पहले फ्रीज़र कर देती हूँ, और जब यूज़ करना होता है तो उसके 2 घंटे पहले निकाल के फ्रीज कर देती हूँ। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे केक बनाना है, मैंने सबसे पहले फ्रीज़र से क्रीम को बाहर निकाला, फ्रीज़ किया और अपना केक बेक किया। तो ये मुझे 2-3 घंटे में ही देना था, 12 बजे ऑर्डर आया था पर मैंने 1 बजे बेक किया था इसे और 4 बजे कंप्लीट करके दे दिया था। तो सफिशिएंट होते हो आपके पास 2-3 घंटे हैं अगर आपके पास, तो आप बना सकते हैं केक, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर जो मैंने चॉकलेट स्प्रेड की थी ना, तो वो भी थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा था, तो मैंने उसे ऑयलिंग ब्रश से अंदर की तरफ ऐसे ही कर दिया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और मैं ये फ्लावर बना दूंगी कहीं कहीं पर, और ग्रीन कलर की क्रीम से ही साइड में और ग्रीन फ्लावर बना दिए थे मैंने थोड़े से। बहुत सुंदर केक लग रहा था फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए,
दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप वीडियो वॉच करते हैं ना तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, कर दिया करो यार। और ये देखिए जो आप बीच में फ्लावर देख रहे हैं, ये एडिबल है, इसे आप खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।